अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जाम एंड कोर्स। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है जिस्पा। जिस्पा 135 मिलीग्राम की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये शैगान फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल की बात की जाए तो वो है मैबिवेरिन हाइड्रोक्लोराइड। सबसे पहले मैबिवेरिन हाइड्रोक्लोराइड की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो मैबिवेरिन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट है जो कि स्पेशली फॉर्मुलेटेड है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसल्स के लिए। यानी अगर आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसल्स टाइट, स्टिफ, रिजिड या उनमें किसी भी किस्म का खिंचाव आ गया हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। अब इसकी यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ड्रग मेनली फॉर्मुलेटेड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक लार्ज इंटेस्टाइनल डिजीज है जिसमें आपको एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम यानी आपके पेट में सख्त दर्द और पेट में मरोड़े होती हैं। इसके साथ ही आपको लूज मोशन यानी डायरिया होता है, साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और इसके साथ ही फ्लैटुलेंस यानी आपके आपसे बहुत सी गैसेज स्क्रीट होती हैं और साथ ही ब्लोटिंग यानी एब्डोमिनल स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स अपेयर होते हैं। अब इन सिम्टम्स की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से खुराक की नाली ईसोफेगस से गुजरता हुआ हमारे स्टमक यानी मेदे में जाता है। मेदे में कुछ देर के लिए रुकता है जहां डिफरेंट एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं और उसकी डाइजेशन करते हैं। वहां से आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के तीन पोर्शन होते हैं, ड्यूडिनम, जीजनम और इलियम। मगर इनका ओवरऑल बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये आपके उस कम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड और सिंपल पीसेस में ब्रेक करके कन्वर्ट कर रहे होते हैं और इस फूड में मौजूद जो न्यूट्रिशन, विटामिंस और मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में ऐड कर रहे होते हैं। उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और ये मूवमेंट जिसमें खाना मुंह से एसोफेगस से गुजरता हुआ स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इस मूवमेंट को प्रिस्टाइलिसिस कहते हैं। प्रिस्टाइलिसिस मूवमेंट एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट है और ये एक वेव की फॉर्म में होती है। इसके साथ ही आपको दिन में एक या दो मर्तबा एक मैस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसमें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे आपका फीसिस, आपका स्टूल बाहर एक्सक्रीट होता है, जिसे आम जबान में पखाना कहते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्लो होती है और ये मूवमेंट एक्चुअली रेगुलेट हो रही होती है इंटेरिक सिस्टम से और ये इंटेरिक सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन एक्चुअली कंट्रोल कर रहा होता है इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्टेड मूवमेंट को। अब ये तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये हो रहा होता है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो इतनी इरेगुलर और बेतरतीब हो जाती है कि या तो वो इतनी तेजी से कंट्रैक्ट करती है कि आपका फूड जल्दी से नीचे चला जाता है और जब वो जल्दी से नीचे चला जाता है तो उसमें मौजूद न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स और स्पेशली जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं होता और आपकी खुराक पतली रह जाती है और आपको पतले पतले पेशाब आते हैं और बार बार आते हैं और इसी कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये मूवमेंट इतनी स्लो हो जाए कि आपके फूड में मौजूद सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए और आपका फूड सारा का सारा फुली ड्राई हो जाए और इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और इवन दोनों भी हो सकते हैं और इसी वजह से आपका पेट स्वेल हो जाता है और डिफरेंट गैसेज एक्युमुलेट और फिल होती रहती हैं और फिर एक्सक्रीट होती हैं और इस कंडीशन को हम ब्लोटिंग कहते हैं। इसके साथ ही खाने का प्रॉपर डाइजेस्ट ना होना और खाना खाने के फौरन बाद टॉयलेट का आ जाना, क्योंकि हमारी बॉडी में एक रिफ्लेक्स होता है जिसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें होता ये है कि जैसे ही न्यू फूड आपके स्टमक में इंटर होता है तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद पुराने फूड को मैसेज सेंड करता है कि भाई इसे एक्सक्रीट करो
और इसी वजह से आपको खाना खाने के फौरन बाद टॉयलेट की हाजत होती है। तो इन सब सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के लिए आप इस ड्रग को सेफली यूज कर सकते हैं। अब इसकी यूसेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो आप इस ड्रग को दिन में 3 मरतबा यूज कर सकते हैं, और इसको आपने खाने से 20 मिनट पहले यूज करना है। लेकिन अगर आप खाने से पहले भूल गए हैं तो आपने खाने के 2 घंटे बाद इसको यूज करना है। आपने इसका इंटेक पानी से करना है। अब इसकी कंट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें, तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। लास्ट में मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा कि आप इसको नेचुरली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आप खाने से तकरीबन 5 मिनट पहले आधा गिलास पानी पिए, क्योंकि आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो एक्वस मीडियम में प्रॉपरली वर्क करते हैं। साथ ही खाना उस वक्त खाएं जब आपको वाकई भूख हो, और जरूरत से ज्यादा ना खाएं। अपने खुराक में ऑर्गेनिक फूड जैसे कि सैलेड हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई, सलाद वगैरह ऐड करें। इसके साथ ही जंक फूड, स्पाइसी फूड और फास्ट फूड अवॉइड करें, और पंक्चुअली एक स्पेसिफिक टाइम अपॉइंट करें और उसी टाइम पे ही खाना खाएं, और इवन वॉशरूम भी पंक्चुअली जाएं, इसे रेंडमली ना करें। इसके साथ ही स्मोकिंग वगैरह से अवॉइड करें, और सबसे इम्पोर्टेंटली एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन और नर्वस प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर लास्ट में इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन को कंक्लूड किया जाए, तो आप इस ड्रग को पेट में दर्द, आंतों में दर्द, पेट में मरोड़, पेट में गैस, पेट में खिंचाव, बदहजमी, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के लिए सेफली यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।